जो प्लांट एनाटॉमी का हम देखने वाले हैं, टिश्यू सिस्टम। देखो, बस थोड़ा समझ लेते हैं टिश्यू सिस्टम क्या होता है। देखिए, प्लांट में थोड़ा सा प्लांट में हम तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम डिफाइन करते हैं। पहला होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पहले यहाँ पेपर पे देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे। दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और तीसरा होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखिए, इसके अंदर आता है एपिडर्मल के अंदर, इसके अंदर आएगा एपिडर्मिस आ जाएगा। एपिडर्मिस एपिडर्मिस के ही मॉडिफिकेशन से बनता है। और रूट हेयर, अगर ये रूट की बात करेंगे और अगर स्टेम की बात करेंगे उसको बोलेंगे शूट हेयर ना। और फिर एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से ही बनता है स्टोमेटा। तो देखिए, इसके अंदर और एपिडर्मिस आ जाएगा, और एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से आ जाएगा और रूट हेयर, और एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन से बन जाएगा शूट हेयर ना। ये सब के बारे में हम अलग अलग बात कर लेंगे। और इसके अंदर इसी के एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से बनता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा भी एक तरीके से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट होता है। फिर अगला आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर आ जाएगा कॉर्टेक्स आ जाएगा, कॉर्टेक्स। इसके अंदर पेरिसाइकल आ जाएगा, पेरिसाइकल, और पित्त आ जाएगा, और आ जाएगा मेडुलरी रेस है ना, मेडुलरी रेस। और भी आएंगे, जैसे आ जाएगा कंजक्टिविटीज। हम सब जब डायग्राम जब लेंगे सबका तो वहाँ पे अलग से बात कर लेंगे कंजक्टिविटीज। और अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में आपको कॉर्टेक्स के अंदर एक और चीज़ मिल जाएगी, कॉर्टेक्स के अंदर ही कुछ और नाम मिलेंगे, जैसे नाम मिलेगा हाइपोडर्मिस का। तो जब डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। फिर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को एक और नाम देते हैं, ठीक। तो एक बार एनसीईआरटी में देख लो क्या क्या बोला जा रहा है कि टिश्यू सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है कि देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंड ऑन द लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर थ्री थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। या वैस्कुलर कोई दूसरा नाम होता है कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर क्या आते हैं, जाइलम आते हैं और फ्लोएम आते हैं ना, ठीक है। चलिए अगला आप देख लीजिए, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखिए, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है देखिए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, रूट हेयर, शूट हेयर, और एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन होता है स्टोमेटा, है ना। चले तो एपिडर्मिस, देखिए एपिडर्मिस कैसा होता है। देखिए, एपिडर्मिस होता है सिंगल लेयर, सिंगल लेयर सेल होती है इसके अंदर, सिंगल लेयर सेल। चलिए बस सुनते जाओ, एपिडर्मिस जो होती कैसी होती, सिंगल लेयर हो गई, सिंगल लेयर। और क्या होगा, इसके अंदर पहली बात लिविंग सेल है, लेकिन लिविंग सेल है उसके बावजूद भी इसके लिविंग सेल है लेकिन इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, है ना, क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, समझे ना। सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन से बनता है, अगर हम बात करेंगे रूट की बात करेंगे तो रूट के अंदर बनेगा और रूट हेयर्स, रूट हेयर्स। ध्यान देना कि रूट हेयर जो होते हैं ये होते हैं यूनिसेलर, यूनिसेलर। इनका मेन जो फंक्शन होता है रूट हेयर का, ये होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। रूट हेयर्स की वजह से
और रूट का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो अगर शूट के स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम में अगर ये स्टेम का अगर एपिडर्मिस होता तो स्टेम के है ना इसी के अंदर नहीं मिलेगा, जैसे रूट की बात कर लिया, अगर ये स्टेम होता तो स्टेम के अंदर जो हेयर्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, शूट हेयर्स ना, शूट हेयर्स। ध्यान देना शूट हेयर जो होते हैं, स्टेम हेयर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सोलर होते हैं ना, मल्टी सोलर है ना, ये अंतर है। और रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनि सोलर। हाँ स्टेम हेयर्स की बात करो, स्टेम हेयर्स कैसे होगा, वो होगा मल्टी सोलर होगा, और उसके साथ साथ जो उसके अंदर आपको ब्रांचेज भी आपको मिल सकती है ना। शूट हेयर का मेन काम ये होता है कि प्रोटेक्शन करना, स्टेम का प्रोटेक्शन करना, या अगर बात करें अब कुछ चीज़ों को सीक्रेट करना, एक तरीके से जो स्टेम हेयर होता है ये प्लांट को डिजीज़ के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया स्टेम हेयर। फिर हम बात करते हैं एपिडर्मिस के, एपिडर्मल ट्यूब सिस्टम के अंदर ही अगला हमारा पार्ट आ जाएगा, स्टोमेटा। देखिए स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा जो है अगर बात करें तो स्टोमेटा क्या होता है, ये भी एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से ही बनता है। अब तो जैसे बात कर लो, स्टोमेटा डाइकॉट के अंदर अलग होता है, डाइकॉट प्लांट के अंदर स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है अलग होता है, और मोनोकॉट प्लांट के अंदर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अलग होता है। डाइकॉट में अगर बात करें, देखिए स्टोमेटा में तीन चीज़ें होती हैं, स्टोमेटा में आपको मिलता है, एक तो आपको मिलेगा उसके अंदर गार्ड सेल, सबसे इम्पोर्टेंट गार्ड सेल ऐसी सेल होती है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब ये एपिडर्मिस की ही सेल है लेकिन इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकता है ना। चले फिर इसके बाद फिर जो है स्टोमेटा में जो पोर्स जो होते हैं उसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, ये भी स्टोमेटा का ही पार्ट है, स्टोमेटल पोर का दूसरा नाम होता है स्टोमा। और फिर स्टोमेटा का तीसरा पार्ट होता है, स्टोमेटा का जो तीसरा एलिमेंट होता है वो होता है सब्सिडियरी सेल। तो ये तीनों मिला क्या बनता है, स्टोमेटा बनता है ना। इन तीनों एलिमेंट को मिला के हम नाम देते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो ये तीनों मिला के हम क्या बोलेंगे इसको, स्टोमेटल एपरेटस। ठीक है ना। चलिए तो अगर डाइकॉट प्लांट में बात करेंगे, डाइकॉट प्लांट में स्टोमेटा जो होगा, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल होगा, गार्ड सेल ये रहता है बीन सेप या उसी को बोल देते हैं किडनी सेप। और अगर मोनोकॉट प्लांट की बात करेंगे तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर ये रहता है जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल वहाँ पे आपको मिलेगा डंबल सेप। चले तो एक बार डायग्राम देख लो, डायग्राम देखिए, जैसे अगर डाइकॉट का अगर आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया गार्ड सेल, हो गया किडनी सेप का गार्ड सेल, और गार्ड सेल के अंदर आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट मिलेगा ना, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। और जो है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है ये थिक होती है, मोटी होती है। इसके थिक होने का जो है एक लॉजिक है, लॉजिक कि इसकी जो थिकनिंग होती है ये स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में हेल्प करती है। हम देखेंगे कि स्टोमेटा कैसे क्लोज होते, कैसे बंद होते हैं, उनका जो मैकेनिज्म होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगी। चलिए जो हो गया स्टोमेटा गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है थिक होती है, आउटर वॉल कैसी होती है, थिन होती है। इसके अंदर आपको ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया ना। जो पोर आप देख रहे हैं, पोर को हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर, इसी को नाम देते हैं स्टोमा है ना। इसके अगल बगल में आपको मिलेगा सब्सिडरी सेल है ना। सारी चीज़ें और भी अच्छे से आप समझ पाओगे जब हम पढ़ेंगे स्टोमेटा के क्लोज होने का और ओपन होने का जो मैकेनिज्म होता है, तो उसमें जो है चीज़ें आपको और भी क्लैरिटी से समझ में आएंगी है ना। तो ये हो गया सब्सिडरी सेल, लेबलिंग कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हो गया सब्सिडरी सेल हो गया, ये हो गया गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल जी सी फॉर गार्ड सेल, एंड दिस इज क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट, और ये लेबलिंग आप समझ रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया गार्ड सेल का आउटर वॉल हो गया, ये गार्ड सेल का इनर वॉल हो गया, और जो पोर जो बना है ये वाला पोर, इसको हम क्या बोलेंगे, पोर को हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, या इसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमा बोलेंगे ना, स्टोमा, ठीक है ना। गार्ड सेल के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स का भी जो है बहुत एक अहम रोल होता है स्टोमेटा को ओपन होने के लिए। देखिए माइक्रोफाइब्रिल जो होता है ऐसे लगा होता है, रेडियली अरेंज होता है, ऐसे रेडियली यहाँ पे अरेंज होगा। जब हम चैप्टर पर पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ना तो वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये जो आप रेडियली अरेंज जो आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं गार्ड सेल के अंदर में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइक्रोफाइब्रिल्स ना। तो अभी थोड़ा टेक्निकल लिमिटेशन है इसलिए हम जो एक ही कलर का यूज़ कर रहे हैं, और कैमरा भी मैंने खुद ही पकड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा अरेंज कर लूँ, बाकी बाद में देखेंगे चीज़ों को कैसे हम चीज़ों को हम डेवलप कर पाते हैं। चलिए तो ये समझ गए, ये क्या हो गया, ये स्टोमेटा हो गया। किसका स्टोमेटा हो गया, डाइकॉट प्लांट का। अगर मोनोकॉट प्लांट की अगर बात करेंगे तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो गार्ड सेल जो होता है वो होता है डम्बल सेप ना। तो डम्बल कैसा होता है, देखो डम्बल ऐसा होता है, ये डम्बल जो आप उठाते हो डम्बल वही वाला डम्बल है, तो डम्बल सेप। ये क्या बन गया, तो उतना अच्छे से बन नहीं पाए, थोड़ा सा अरेंज कर लेना। चलिए देखिए तो ये वाली क्या होगी, ये होगी इनर वॉल, होगी इनर वॉल गार्ड सेल की इनर वॉल, और ये क्या होगी, ये होगी आउटर वॉल होगी, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, क्लोरोप्लास्ट, और ये हो गए रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स हो गए, और इसके अगल बगल में क्या मिलेगा आपको, सब्सिडरी सेल मिलेगा, सब्सिडरी सेल, समझे ना। तो बाकी लेबलिंग आप समझ गए, ये सब्सिडरी सेल हो गए और ये वाला गार्ड सेल हो गया। गार्ड सेल, गार्ड सेल कैसा है देख लीजिए, गार्ड सेल किसका बने, डम्बल सेप की सेल है ना, डम्बल सेप की, वहाँ पे उतना क्लियर बन नहीं पाया, यहाँ पे देख लो तो कैसी सेल है, डम्बल सेप की ना। इनर वॉल कैसी है, ठीक है, आउटर वॉल कैसी है, थिन है, अंदर में क्या अरेंज है, क्लोरोप्लास्ट, और क्या होंगे, रेडियली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स भी होंगे ना, समझे। चलिए ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है पर एनसीईआरटी में हम देख लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे देखो एपिडर्मिस क्या हो गया, आउटर मोस्ट लेयर होगी, सबसे बाहर की लेयर क्या होगी आपको, एपिडर्मिस होगी, ठीक, लंबे एलोंगेटेड सेल देख रहे हो, एलोंगेटेड सेल है, लंबी लंबी सेल से आप देख सकते हो आप, कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब क्या है, ये जो है बहुत ज़्यादा इनके बीच में कोई भी इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है। उसके बाद आप देखो कंटिन्यूस लेयर है, कोई भी बीच में गैपिंग नहीं है। एपिडर्मिस नॉर्मली कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है, किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमा की बनी होती है, लेकिन इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिलेगा ना। उसके बाद ये देख सकते हो साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल कैसा होगा, लार्ज होगा, लार्ज वैक्यूल होगी, सेल कैसे होती है, एलोंगेटेड होती, लंबी लंबी सेल जो होती है, सेल का साइज बड़ा होता है तो उसके अंदर वैक्यूल जो है लार्ज साइज का मिलेगा। चलिए उसके बाद देखिए कि एपिडर्मिस की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर आउटर साइड में नॉर्मली क्या होगा आपको, क्यूटिकल की लेयर मिलेगी ना, क्यूटिकल की लेयर, क्यूटिकल के लेयर का मेन अगर हम बात करें, क्यूटिकल के लेयर का मेन काम ये होता है कि वाटर को लॉस होने से बचाना, मतलब ट्रांसपिरेशन से बचाना है ना। तो बाहर में आपको क्यूटिकल की आपको लेयर भी मिलेगी ना। चलिए क्यूटिकल अगर अच्छा ऐसे अगर रूट की बात करो, क्यूटिकल आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगा, जैसे लीफ की एपिडर्मिस हो गए, लीफ की एपिडर्मिस और स्टेम की एपिडर्मिस, तो वो सब भी आपको क्यूटिकल मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें रूट के एपिडर्मिस में, तो रूट के एपिडर्मिस में आपको क्यूटिकल नहीं मिलेगा ना, वहीं आप लिखा हुआ है कि क्यूटिकल इज़ अब्सेंट इन रूट एपिडर्मिस। फिर क्या बोल रहे हैं कि स्टोमेटा भी कहाँ पर अरेंज होते हैं, एपिडर्मिस पर ही अरेंज होते हैं, एपिडर्मिस भी लगे होते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, स्टोमेटा लीफ के साथ साथ
लीफ के साथ साथ आपको स्टेम पर भी मिलते हैं ना, ध्यान देना, स्टेम पर स्टोमेटा मिलते हैं, लेकिन नंबर कम होता है लेकिन मिलते हैं। तो स्टोमेटा सिर्फ लीफ पर ही नहीं मिलते, स्टोमेटा स्टेम पर भी मिलते हैं ना। चले तो ये हो गया। स्टोमेटा का मेन काम क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज करना, इनके थ्रू क्या होता है, इसे अगर यहाँ बात करें, जैसे अगर ये जैसे ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से क्या बनेगा, इसके मॉडिफिकेशन से बनेगा स्टोमेटा बनेगा, इसे स्टोमेटा, हमने स्टोमेटा जो यहाँ पे बनाया हुआ ये वाला, तो ऐसा स्टोमेटा ये बनेगा। तो इसका मेन काम क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज करना ना, जैसे कि यहाँ से क्या आएगी, अंदर में CO2 आएगी, बाहर में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी, या ऑक्सीजन बाहर से भी आ सकती है ज़रूरत पड़ी तो मतलब स्टोमेटा का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना। अगला काम क्या होगा, ट्रांसपीरेशन करना, वाटर, इस वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकालना है ना, ये सारे काम हो जाएंगे स्टोमेटा के। चलिए तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है गैसेस एक्सचेंज करना। स्टोमेटा के अंदर क्या क्या होते हैं, स्टोमेटा इज कंपोज ऑफ टू बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल। ये किसी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डाइकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं ना। डाइकॉट में स्टोमेटा, ये गार्ड सेल कैसा होता है, बीन सेप या किडनी सेप। वही अगर हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो गार्ड सेल होता है वो कैसा होता है, वो होता है डम्बल सेप ना, डम्बल जो हमने ऐसा बनाया था डम्बल, उस टाइप का ना गार्ड सेल हो गया। उसके बाद आप क्या देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे स्टोमेटल पोर आप देख सकते हो, स्टोमेटल पोर गार्ड सेल से की ओपनिंग, ये ओपनिंग स्टोमेटा की। फिर इधर की यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर वॉल कैसी होती है, ये इनर वॉल, आउटर वॉल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनर वॉल होती है कैसी थिक होती है और आउटर वॉल कैसी होती है, थिन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो गार्ड सेल के अंदर, देखो एक बात और है, एपिडर्मिस की सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है, लेकिन गार्ड सेल एपिडर्मिस के मॉडिफिकेशन से ही बनता है, लेकिन इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है ना, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। गार्ड सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ये हालांकि एपिडर्मिस के ही मॉडिफिकेशन से बनता है। चलो फिर आगे लिखा हुआ है कि जो गार्ड सेल के जो अगल बगल जो सेल्स होते हैं, विसिनिटी में जो सेल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल बोलते हैं ना। चलिए तो फिर देख सकते हो स्टोमेटल अपर्चर, मतलब ये हो गया अपर्चर हो गया, ये अपर्चर को एक और नाम देते हैं स्टोमा बोलते हैं। उसके बाद ये भी देख सकते हो आप कि स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, तीनों को मिला के हम नाम देते हैं स्टोमेटल अपरेटस है ना। चलिए एक चीज़ और देख लो आप कि एपिडर्मिस के ऊपर क्या होते हैं, आपको हेयर्स मिलते हैं और रूट हेयर्स, जैसे अगर रूट की बात करेंगे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, आप देख सकते हो यूनिसेलुलर। मेन काम क्या होगा उनका, वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। और अगर हेयर्स अगर स्टेम के ऊपर मिलेगा तो स्टेम वाले हेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स बोलते हैं। ट्राइकोम कैसे होते हैं, ट्राइकोम होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, ये ब्रांच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं है ना। जो स्टोमेटा वाले जो स्टेम के जो हेयर्स होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, ये इनके लिए सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ें सिक्रेट निकाल भी सकते हैं ना। और इनका काम क्या होगा, ट्रांसपीरेशन से बचाना, ट्रांसपीरेशन पानी को बचाना, और भी इनका काम जो है कुछ हद तक बीमारी से डिजीज़ के लिए इनके अंदर एक तरीके से रेजिस्टिविटी भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इतना हम बात कर लेते हैं, आप एनसीईआरटी अच्छे से देख लेना एपिडर्मिस के अंदर क्या क्या होता है। एपिडर्मिस से ही बनता है, क्या बनता है, उससे रूट हेयर, शूट हेयर, उसके मॉडिफिकेशन क्या बनता है, स्टोमेटा बनता है, गार्ड सेल। स्टोमेटा के अंदर मेन क्या है, गार्ड सेल है, जिसके अंदर क्या मिलता है, वो क्लोरोप्लास्ट मिलता है। और अगर हम बात करें गार्ड सेल डाइकॉट के अंदर कैसा होता है, बीन सेप यानी किडनी सेप, ऐसा बीन टाइप का। और मोनोकॉट के अंदर कैसा होता है, डम्बल सेप होता है। गार्ड सेल के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट मिलता है। स्टोमेटा के अंदर तीन चीज़ें हैं, क्या क्या होता है, पोर्स यानी स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल, तीनों को मिला के नाम देते हैं स्टोमेटल एपरेटस। फिर देख सकते हो यहाँ पे रूट हेयर के बारे में दिया हुआ, मेन काम क्या होगा, यूनिसेलुलर, और वाटर का अब्जॉर्प्शन एंड मिनरल का सॉइल से। स्टेम की बात करें, स्टेम हेयर कैसे होते, मल्टीसेलुलर होते हैं। स्टेम हेयर को क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइकोम का काम क्या होता है, ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। कैसे होते, सॉफ्ट होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं। इनका
इनका काम सिक्रेटरी भी हो सकता है, मेन काम क्या होगा इनका, वाटर को लॉस को बचाना ना, ठीक है ना। चलो तो बाकी हम अगली चीज़ें हम इसके बाद देखेंगे।